जय श्री कृष्ण। आप प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्त्र चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे लॉन्जेविटी ऑफ मैरिज, इस टॉपिक पे, अर्थात वैवाहिक जीवन में स्थिरता। अर्थात यदि किसी व्यक्ति का विवाह होता है, वो विवाह लंबे समय तक जीवन पर्यंत चलेगा या नहीं चलेगा, और उसमें खुशियां कितनी होगी, हैप्पीनेस कितना रहेगा, उस पर एक कंक्रीट चर्चा करेंगे संक्षिप्त रूप से। आप अंत तक बने रहिए। यदि आप ज्योतिष को समझते हैं, ज्योतिष प्रेमी हैं, तो आपको इसका सार समझ आ जाएगा और आप आसानी से समझ जाएंगे कि वैवाहिक जीवन में स्थिरता और हैप्पीनेस को, खुशियों को कैसे देखते हैं। जो आपका सातवां भाव होता है कुंडली का, आप अपना बर्थ चार्ट खोलते हैं, उसमें सातवां भाव किसको कहते हैं, ये प्रथम भाव है, उससे ठीक अपोजिट सातवां भाव होता है। आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे सॉफ्टवेयर में डालिए, जो लग्न कुंडली बनकर आती है या जिसको डिवन चार्ट के नाम से हम जानते हैं, उसके सातवें भाव को ऑब्जर्वेशन में रखिए। ये सातवां भाव है, उसकी राशि को देखिए, उसका स्वामी कौन है, सेवंथ हाउस, और सेवंथ हाउस के लॉर्ड को विचारना होता है इसके लिए। और जो इंपॉर्टेंट अन्य बातें हैं वो ये है कि शनिदेव सैटर्न रिप्रेजेंट करते हैं लॉन्जेविटी को, तो वैवाहिक जीवन में स्थिरता के लिए शनिदेव का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आठवां भाव कुंडली का, वो आपको विवाह की लंबी आयु बताता है। विवाह की लंबी आयु का मतलब जीवन पर्यंत यह विवाह चलेगा, लंबे समय के लिए चलेगा, ये शनिदेव बताते हैं। शनिदेव की किसी भी तरह से आठवें भाव से संबंध होना चाहिए, किसी भी लेवल पर। फिर शुक्रदेव हैप्पीनेस को बताते हैं वैवाहिक जीवन में। वैवाहिक जीवन में कितना आनंद होगा, उत्साह होगा एक दूसरे के रिलेशन के प्रति, वो वीनस बताता है। और गुरुदेव की कृपा बताती है कि वहां पे कितना विजडम रहेगा उस क्षेत्र में, और कितना एक्सपेंशन होगा उस रिलेशन का, और विवाह में सुख कितना बढ़ेगा। तो तीन ग्रह इंपॉर्टेंट हो जाते हैं विवाह की दृष्टि से। शनिदेव जो कि वैवाहिक जीवन में स्थिरता दे देते हैं, लॉन्जेविटी दे देते हैं। फिर वीनस शुक्रदेव जो कि वैवाहिक जीवन में खुशियां लाते हैं, और फिर गुरुदेव जो कि वैवाहिक जीवन में विजडम और एक्सपेंशन देते हैं। इन सब बातों को कुंडली में देखना होता है। सेवंथ हाउस, सेवंथ हाउस लॉर्ड, शनिदेव, गुरुदेव और शुक्रदेव, दो कुंडलियों के माध्यम से, जो कि मैंने विकिपीडिया से लिया है, दो फेमस बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, उनकी कुंडलियों के माध्यम से बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। यदि आप ज्योतिष को थोड़ा बहुत समझते हैं तो आप आराम से समझ जाएंगे कि किस तरह से विवाह में लॉन्जेविटी को देखते हैं और हैप्पीनेस को देखते हैं। और आप इसको किसी भी कुंडली पे लगा सकते हैं, लेकिन ये एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। लेकिन आपको स्थूल रूप से समझ में आ जाएगा कि विवाह में स्थिरता है और विवाह में, वैवाहिक जीवन में खुशियां हैं। ये एक्ट्रेस जो हेमा मालिनी है, उनका बर्थ चार्ट है, और ये एक्ट्रेस रेखा है का चार्ट है। यहां पे विवाह में स्थिरता है, हैप्पीनेस है। यहां विवाह में कोई स्थिरता नहीं रही, कोई हैप्पीनेस नहीं रहा। जिनसे इनकी शादी हुई, 9 महीने के बाद उनकी मृत्यु हो गई और विवाह का खात्मा हो गया।
1990 की ये बात है जब इनका विवाह हुआ था। यहां पे आप चेक कीजिए, सेवंथ हाउस को, सेवंथ हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, तो सेवंथ लॉर्ड को देखिए, तो सेवंथ लॉर्ड यहां पे बैठा हुआ है। सेवंथ लॉर्ड हुए शनिदेव, मकर राशि यहां पे पड़ी हुई है और इस राशि के स्वामी होते हैं शनिदेव। तो सैटर्न शनिदेव शुक्रदेव के साथ बैठे हुए हैं, शुक्र के साथ बैठे हुए हैं तो वीनस रिप्रेजेंट कर रहा है लव को, तो शर्त पूरी हो गई, वैवाहिक जीवन में हैप्पीनेस है। और शनिदेव की सातवीं दृष्टि आठवें भाव पे है, आठवें भाव से कनेक्शन है शनिदेव का, तो शनिदेव क्या कर रहे हैं, लॉन्जिविटी दे रहे हैं, मैच्योरिटी दे रहे हैं उस विवाह को। तो विवाह इनका सफल रहा, वैवाहिक जीवन सफलता से और खुशियों से भरा हुआ है। और जुपिटर का रोल देखिए इस कुंडली में, तो बृहस्पति देव यहां बैठ करके सेवंथ लॉर्ड पे दृष्टि डाल रहे हैं, नवी दृष्टि से ब्लेसिंग आ रही है उनकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां पे गुरुदेव की ब्लेसिंग आ गई, तो एक्सपेंशन हो गया कुल का, परिवार का, क्योंकि ये भाव ही परिवार का होता है। तो ये बहुत आसानी से समझ में आ रहा है कि विवाह में लॉन्जेविटी है और हैप्पीनेस है। साथ में यहां पे आइए, तो सेवंथ भाव में खुद केतु बैठे हुए हैं, केतुदेव, जो कि पूर्णतः मैल्फिक प्लैनेट है, और केतुदेव डिटैचमेंट के कारक होते हैं, जहां जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से आपका संबंध कट ऑफ करने की कोशिश करते हैं। तो यहां सेवंथ भाव की चीजों को इन्होंने डिटैच करने की कोशिश कर दी। जो ज्योतिषी विद्वान केतु के एस्पेक्ट्स को मानते हैं, तो उस हिसाब से केतु देव की पांचवी दृष्टि 11वें भाव में पड़ रही है, और 11वें भाव में सेवंथ हाउस के स्वामी बुद्धदेव बैठे हुए हैं, तो खुद सेवंथ हाउस में बैठे हुए हैं और सेवंथ भाव के स्वामी और सेवंथ भाव के स्वामी पे उनकी दृष्टि है, पांचवी दृष्टि, तो दोनों तरह से इन्होंने मैनिफिसिटी दे दी, पाप ग्रसित कर दिया। तो गुरु बृहस्पति देव का सेवंथ लॉर्ड या सेवंथ लॉर्ड के स्वामी के साथ किसी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं है, तो ये कुंडली से प्रूव हो जा रहा है कि हम बहुत आसानी से देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति की कुंडली में सिर्फ बर्थ चार्ट से कि उसकी कुंडली में लॉन्जेविटी ऑफ मैरिज और हैप्पीनेस की प्रॉमिस है या नहीं, और हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं आसानी से। हालांकि कब होगा, कैसे होगा, ये कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होता है, उसको एक अनुभवी ज्योतिषी ही बता सकते हैं आपको, लेकिन स्थूल रूप से आप देख सकते हैं कि विवाह में स्थिरता और हैप्पीनेस किस तरह से आ रही है। और उसके लिए जो जिम्मेदार ग्रह हुए शिव 3, शुक्र, बृहस्पति और शनि, शनिदेव की कृपा के बिना तो शादी ना होती है ना चलती है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप अपने चैनल अस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब कर लें, यह निवेदन है। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार आए हैं, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने परिचितजनों को शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि आप ज्योतिष समझते हैं तो यह चैनल आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है, जहां आप आसानी से जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझ सकते हैं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं, तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं, मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, 9891644517, आप इस पे कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जो जिस्ट निकाला वो ये है कि लॉन्जेविटी और हैप्पीनेस हम किस तरह से देखते हैं,
सेवंथ हाउ, सेवंथ भाव, और सेवंथ भाव के जो स्वामी हैं उसको कंसीडर करना होता है। फिर तीन ग्रह यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, शनि, वीनस और गुरु। एक्चुअली जो नेचुरल कारक होते हैं विवाह के, वो स्त्री की कुंडली में गुरुदेव होते हैं अर्थात बृहस्पति, और अर्थात जुपिटर, और पुरुष की कुंडली में वीनस नेचुरल कारक होते हैं मैरिज के। यदि ये मजबूती से विवाह दे रहे होंगे तो व्यक्ति का विवाह होगा, और उसके बाद बाकी बातें आप यहां से देख सकते हैं। शुक्र के बिना आपको वैवाहिक जीवन में खुशी नहीं मिल सकती, क्योंकि वही सेक्सुअल लाइफ में खुशी प्रदान करने वाले हैं, और शनि के बिना आपको विवाह में स्थिरता नहीं मिल सकती। आप कितना भी कोशिश कर ले, स्थिरता नहीं होगी विवाह में। और बृहस्पति आपको उस वैवाहिक जीवन में एक्सपेंशन देते हैं, खुशियों को विस्तार देते हैं, रिश्ते को लंबा चलाने के लिए उत्साह देते हैं, विजडम देते हैं, दूरदर्शिता देते हैं, बुद्धिमत्ता देते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी कुंडली को उठाएं और सोचें, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सुस्त रूप से तो नहीं, स्थूल रूप से जरूर मिलेगा। धन्यवाद।